हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो एक सरकार की नई अपडेट निकल के आई है, जिसके अनुसार यह बताया गया है कि आप लोगों का जो परीक्षा है वह कब कराया जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कि उसका क्या अपडेट है। यहाँ पर यूपी बोर्ड की जो सचिव हैं दिव्यांग काल शुक्ल, उन्होंने बताया है कि इस साल जो बोर्ड की ओर से परीक्षा फार्म के साथ साथ आधार जरूरी कर दिया गया है, इसकी वजह से बच्चे की संख्या कम हो रही थी। कई सारे रीज़न बता रहे हैं, पहले रीज़न तो ये, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी बात यह है कि आपकी जो पढ़ाई है वो बाधित न हो, उसकी वजह से क्या किया गया है कि परीक्षा में कुछ कमियां किया गया है। जैसे कि क्या किया गया, इससे पहले 30% सिलेबस कम कर दिया गया था, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट न हो और आसानी से अपने कोर्स को कंप्लीट कर सके। लेकिन बीच में ये भी अफवाह हो रही थी कि 15% और सिलेबस कम कर दिया गया है। तो नहीं, आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें, 30% के बाद कोई भी सिलेबस कम नहीं किया गया। बात करें रजिस्ट्रेशन फार्म की, तो रजिस्ट्रेशन फार्म का डेट अभी बढ़ चुका है। तो जो आपके शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, तो उन्होंने यह बयान दिया है कि जो बच्चे हैं वो अपने बोर्ड फार्म को भर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा सबमिशन के लिए बताया है कि 5 जनवरी तक आप बोर्ड फार्म सबमिशन करके। अभी भी आपके अनुसार बहुत सारी न्यूज़ सामने निकल के आई हैं, उस न्यूज़ में यह बताया गया है कि क्या सच में इस साल बच्चों की जो संख्या है वो एग्ज़ाम में कम हो जाएगी। तो हाँ, ये है, कुछ बच्चे की एग्ज़ाम की संख्या कम हो जाएगी और हो सकता है कुछ कम भी हो जाए। ठीक है, तो एग्ज़ाम में बच्चों की संख्या कम होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इसके बहुत सारे रीज़न बता दें, जैसे पहला रीज़न आपको बता दिया गया कि आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया, जिस वजह से बहुत से बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है कि 55 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे यूपी में। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर देखिए आंकड़े के अनुसार आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, 2021 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कुल 55 लाख छात्र छात्राएँ, ठीक ना, कम होने की संभावना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ कि आधार कार्ड जरूरी करने और दूसरे राज्यों और पड़ोसी देश के स्टूडेंट्स पर अंकुश लगाने के बाद यह संख्या कम हो रही है। तो संख्या तो कम होगी क्योंकि हर बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है, तो वह पूरा अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, या फिर जो टीचर्स होते हैं वो भी उनको जो पूछते हैं वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। तो संख्या तो कम हो गई, लगभग कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 55.35 लाख छात्र छात्राएँ शामिल होंगे और इंटरमीडिएट में 24.43 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो इसका जो मेन कारण बताया जा रहा है कि जो कोरोना महामारी के चलते आवेदनों की संख्या बढ़ाने के लिए 2 बार आवेदन का आकृति बढ़ाई गई थी, लेकिन आंकड़े यह बताते हैं कि साल 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे अप्लाई किए थे वो 56,01,034 बच्चे थे, इस बार घट करके कितने हो गए, 55,35,137। तो संख्या कम हुई है, इसका बहुत सारा रीज़न है। ठीक है, रीज़न तो कई सारे यहाँ पर दिख लिया आप लोग, उसके बाद बता दें आप लोग जो वेरिफिकेशन नहीं कराए, तो वेरिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप लोग एग्ज़ाम में सिक्योर रहेंगे। और यहाँ पर देखिए कि CBSE बोर्ड में भी ये सारी बहुत सारी बात बताई गई है कि जैसे वहाँ बोला गया है कि आपका एग्ज़ाम डेट 31 दिसंबर को शाम 6 बजे तक आ जाएगा, तो इंटरनल मीटिंग के अनुसार ये भी पता चला है कि जो यूपी बोर्ड के रिजल्ट एग्ज़ाम डेट है वो भी उसके जस्ट 10 से 15 दिन बाद आपके आ जाएंगे। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देखिए, जो भी आपका जो एग्ज़ाम डेट आएगा वो जनवरी तक तो आने की संभावना है, ठीक है, 31 दिसंबर के बाद आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हाँ, यहाँ तक सारी न्यूज हैं आपके। तो यूपी बोर्ड के जो अधिकारी हैं उन लोग बैठ के आपस में ये डिस्कशन किए हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसे कराया जाए। तो डिसीजन ये निकला है कि जो बच्चे हैं उनके बीच का डिफरेंस बढ़ाया जाएगा बैठने का, ठीक है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगा और एक सेंटर पर लगभग कि कम से कम बच्चों को रखा जाएगा, जिससे कि सेंटर्स की संख्या भी बढ़ गई है इस साल। तो और ये भी आपका जो पहले एक रूम में एक एक वाइस कमरा हुआ करता था, इस बार सारी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यदि आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं बैठेंगे तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम से हाथ धोना पड़ जाए। तो अजी सिक्योरिटी आपके पास भरपूर मात्रा में, हम कोई भी चीटिंग करने का चांस नहीं है। तो आप लोग, यही है कि आप लोग पढ़ाई अपना अच्छे से करते रहें और समय समय पर जो भी अपडेट्स होगा वो आपको मिलता रहेगा। बात कर दें अभी और एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट का आपको पता ही है कि लगभग CBSE बोर्ड के बाद ही जस्ट आप आने वाला है एग्ज़ाम डेट। तो आप श्योर होकर पढ़ाई करते रहें और किसी पर भी विश्वास न करें, अपने पढ़ाई पर विश्वास करें, एंड थर्ड पर्सन को कोई विश्वास न करें। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि कोई भी अपडेट आती है तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा वो अपडेट्स आपको मिल जाएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।